हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू हाइड एप्स इन सैमसंग A73 5G। अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A73 का फ़ोन है और आप उसमें ऐप्स को हाइड करना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऐप्स को हाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको मोबाइल की सेटिंग ओपन करना है सैमसंग गैलेक्सी A73 की, और यहाँ पर स्क्रोल डाउन करना है। आपको एक ऑप्शन फाइंड करना है होम स्क्रीन, ऑल टू ऑल जितने भी सैमसंग के फ़ोन है उसमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको होम स्क्रीन पे टैप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन, इस पर टैप करें और कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे अब आप हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास प्ले स्टोर है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, इस ऑप्शन पर, और यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे पास प्ले स्टोर कहाँ पर है भाई, ठीक है। तो मैं आपको उसको हाइड करके दिखाता हूँ, और भी काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है उनको आप हाइड कर सकते हो। स्नैपचैट को ही देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्नैपचैट मेरे पास अवेलेबल है, स्नैपचैट की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से स्नैपचैट की एप्लीकेशन को हाइड कर दूँगा। आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे है स्नैपचैट, तो यहाँ पे इस पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने डन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब स्नैपचैट की एप्लीकेशन शो नहीं हो रही। इवन अगर आप यहाँ पर सर्च करो स्नैपचैट तो वो यहाँ पे शो नहीं होगी, यानी कम्प्लीटली तौर पे हाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सैमसंग गैलेक्सी A73 में ऐप्स को हाइड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।